द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गर्भगृह से, या दीवारों पर की गई चित्रकारी से, या फिर शिखर से, या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। जब आप पढ़ेंगे तमिलनाडु के साइड में मंदिर निर्माण के बारे में, तो आपको द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से गोपुरम मिलेगा। अब गोपुरम ये होता क्या, ये बताइए जरा। क्या करेंगे इसका सही जवाब? एक तरह से आप समझिए कि द्रविड़ शैली में जो प्रवेश द्वार होता था ना, एंट्री गेट, दैट इज क्या था, वो गोपुरम था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि जो भी प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, है ना। तो सही जवाब ऑप्शन डी, यहाँ के हिसाब से सही जवाब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। गोपुरम बोलते थे मंदिर में प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार को। ठीक है, जब आप तमिलनाडु वगैरह जाएंगे, चेन्नई साइड जाएंगे, तो आपको वहां पे बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था द्रविड़ शैली की मंदिर है, द्रविड़ शैली या फिर बेसर शैली, नागर शैली, आपने सुना होगा नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली के बारे में, है ना, सभी सुना होगा इसके बारे में। तो ये जो मंदिर थी, मंदिर में जो भी एंट्री गेट था, दैट वॉज द गोपुरम इन तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से थे, उसको वहां पे गोपुरम बोलते थे, है ना। तो सही जवाब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर।